आवाज़ नहीं आ रही है चार जी एक बार नहीं तो चलिए हम ये तो फिर से शुरू करते हैं मैं देखता हूँ कि आपका आपको तो मेरी आवाज़ आ रही होगी पर यहाँ आपका माइक दिख रहा है कनेक्टेड है पर शायद बंद है तो आपको कोई बटन दबाना पड़ेगा वहाँ पे जिससे वो चालू हो जिससे आप आवाज़ आए हाँ अभी आई आपका पिछली बार जब डिस्कनेक्ट हो रहा था तब आ गई थी आवाज तो आपने कुछ तो शायद दबाया था तब आई थी आवाज़ एक सेकंड के लिए जब तक आ, लेकिन एक दो सेकंड के बाद आपका पूरा डिस्कनेक्ट ही हो गया तो आपने शायद माइक का बटन दबाया होगा तो उससे आवाज तो आ गई लेकिन फिर कोई लाल बटन लगता है दबा दिया जिसमें डिस्कनेक्ट हो गए तो अभी फिर से देखना पड़ेगा आपको माइक आपका कैसे होगा माइक अभी भी नहीं आया है आपको अब यदि आवाज आना चालू हो जाए तो पर इधर आपकी नहीं आ रही है आपका अभी भी माइक शायद कनेक्ट हो रहा है कुछ ऐसा दिखा रहा है यहाँ कनेक्ट हो रहा है आपका तो वीडियो तो दिखने लगा उसमें खाली दिख रहा है तो एक बार आऊ करेंगे uh. खोल सकते हैं आज हम आ, ये हमने एक बार सीखा था आपको याद होगा अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप फिर से पहली लाइन अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसे चतवित वर्धन थे आयुर्विद्या यशोबलम तो ये हमने एक बार पहले भी देखा हुआ है आज हम एक और लिखते हैं मेरे ख्याल से वो भी एक बार हुआ है पर फिर भी हम एक बार लिखते हैं और क्योंकि ये सब वीडियो में आ ही रहा है तो यदि आप कभी भी फिर से चला के देखते हैं तो वो जहाँ चाहे वहाँ पे रोक के उसको देख सकते हैं और पिछली कक्षा में हमने ये किया था आपको ये भी याद होगा अद्य पर शव प्रपरश्व ये आने वाले और इसके पिछले वाले जो हैं अद्य के पहले ह्य पर हर ह्य तो इस तरह से आगे के और पहले के दिन हम बात कर सकते हैं और जो शब्द हैं उनके लिए वो सारे के सारे हिंदी से मिलते जुलते हैं हिंदी गुजराती मराठी सभी में यही शब्द उपयोग होते हैं सोम मंगल बुद्ध गुरु इस तरह से सिर्फ अंत में वासरह जो है उसका ध्यान देना है तो वासर लगा दिया तो वो संस्कृत का दिन बन गया सोम वासर मंगल वासर इस तरह से तो यदि आपकी आवाज आए तो मैं प्रश्न करूं अभी मैं एक प्रश्न करता हूँ अब आपकी आवाज यदि कनेक्ट हो जाएगी तो आप उत्तर दीजिए कदार और जब तक वो आती है आवाज तब तक हम जो ये पिछली बार हम कर रहे थे हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे और एक यहाँ पे नया भी लिखते हैं श्लोक आयम निजम जमे गणना लघु चेत मुझे लगता है कि आपने एक बार ये पढ़ा है पर ये अभी मुझे अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो नहीं दिखा तो यहाँ पे कम से कम लिख जाएगा अयम निजम परोवेती गणना लघु चेत उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम तो अब आपको शायद इससे याद आएगा क्योंकि हमने ये एक बार चर्चा की थी कि वसुधैव कुटुम्बकम जो कहते हैं वो कहाँ से आया तो इस श्लोक में उसका उपयोग हुआ है और यहीं से निकला है अयम निजम परोवेति गणना लघु तो अयम निजम मतलब ये मेरा है परोवेति मतलब ये कुछ दूसरे का है तो ये मेरा है ये उसका है इस तरह की गणना गणना लघु तो ऐसी गणना जो है छोटी बुद्धि वाले छोटे हृदय वाले लोग करते हैं और अगली पंक्ति में उदार चरिता नाम तु वसुद कुटुंबकम तो उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है तो इसी में से निकला है वसुदैव कुटुंबकम यदि उत्सुकता हो याद रखा जा सकता है ये आसान सरल श्लोक है काफी और अभी तो यहाँ पे लिख दिया है तो अब आपको याद करने के लिए भी आसान होगा वीडियो कभी भी देख सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा और एक बार याद हो गया तो फिर तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है तो और अब हम यहाँ जो ऊपर पिछली बार कर रहे थे एक वचन द्विवचन बहुवचन और पुरुष और लिंग इन कुछ क्रियाओं के तो हम पूरे, पूरे वाद के पूरे वाक्य ले रहे थे इसमें जैसे हमने लिया राम तो जो था प्रथम पुरुष पुलिंग तो प्रथम पुरुष अर्थात जब हम किसी और के लिए बात कर मैं अभी आगे का बताता हूं तो जो हम जैसे देख रहे थे प्रथम पुरुष तो प्रथम पुरुष मतलब किसी और के बारे में हम जब बात कर रहे हैं खुद के बारे में जब हम कहते हैं मैं हम तब उसको उत्तम पुरुष कहते हैं ये जो यहाँ नीचे तीसरी पंक्ति में लिखा हुआ है और प्रथम पुरुष मतलब किसी और के बारे में जैसे राम ये करता है बालक पढ़ता है लड़की नाचती है बच्चे खेलते हैं तो हम जब भी किसी और के बारे में सामने हो चाहे कहीं और हो ऐसे बातें जब वाक्य बनाते हैं तो उनको प्रथम पुरुष कहते हैं अब जो दूसरी पंक्ति है यहाँ पे तो वैसे प्रथम पुरुष में हमने देखा ये पहली वाली पंक्ति में कि राम पठती कह पठती राम पठती कौ पठत रामऊ पठत तो ये द्विवचन है जब दो लोगों के बारे में बात हो रही है तब वो रामऊ और पठत हो जाता है और बहुवचन में पठंती और ये संज्ञा भी बदल गई राम पठंती तो इसी का यदि बालक की बारे में बात कर रहे होते हम कि बालक पढ़ रहे हैं या बालिकाएं पढ़ रही हैं अभी वाली का है नहीं बोलते क्योंकि वो उसमें लिंग बदल जाएगा तो पठन्ति या बालका पठंती तो प्रश्न हुआ के पठंती उत्तर होगा पठन्ति या फिर दूसरा प्रश्न राम किम कुरंती उत्तर होगा पठन्ति तो ये है प्रथम पुरुष पुल्लिंग अभी दूसरी पंक्ति में बालिका नृत्य तो ये एक वचन है एक बालिका नाचती है नृत्य करती है बालिका नृत्य का नृत्य बालिका नृत्य इसी का द्विवचन में बालिके नृत्य तो अब स्त्रीलिंग में बालिके हो जाता है जो भी आ वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके अंत में ए लग जाता है तो बालिके नृत्यतः तो ये पठत नृत्यतः ये दोनों एक जैसे हैं आपको दिखेगा और बहुवचन में जब दो से भी अधिक हैं, तो बालिका नृत्यंती कहा नृत्यं थी बालिकाह तो ये भी प्रथम पुरुष है क्योंकि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं और स्त्रीलिंग है तो पहले वाला पंक्ति पुलिंग था ये वाली पंक्ति स्त्रीलिंग है अभी तीसरी पंक्ति में हम देखते हैं उत्तम पुरुष तो अब उत्तम पुरुष अर्थात मैं, मेरा या हम तो अब वो अलग अलग एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से बदलेगा जैसे एक वचन रक्षामी, तो मैं बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी अहम वदामी तो ये मैं का उपयोग ऐसा है एक वचन में द्विवचन में इसी अहम की जगह हो जाता है आवाम तो वाक्य बनता है आवाम वदावह या आवाम रक्षावह आवाम पठावह। तो ये अंत में आवह लग गया तो ये हो गया द्विवचन उत्तम पुरुष का तो इसको हिंदी में यदि आप वाक्य बोल के देखेंगे आवाम वदावह तो हम दोनों बोलते हैं ऐसा इसका अनुवाद हो जाएगा और तीसरे यहाँ बहुवचन में इसी का हो जाएगा वयम रक्षा मह या वयम वदामह तो आमह जब लगा अंत में तो ये है उत्तम पुरुष का बहुवचन क्रिया में आमह और वयम जो है हम सब हम सभी इसके लिए व्यम कहते हैं तो व्यय रक्षा मतलब हम रक्षा करते हैं ठीक है तो अब उत्तम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अंतर नहीं है क्योंकि मैं खुद के बारे में ही बात कर रहा हूं तो फिर मैं चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो कोई अंतर नहीं है मैं तो मैं ही है हमेशा तो इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक ही है तो यहाँ पे लिख देते हैं पुल स्त्रीलिंग दोनों एक में ही है ठीक है अब एक और चीज है कि प्रथम पुरुष का हम नपुंसक लिंग भी एक बार देख लेते हैं तो प्रथम पुरुष मतलब किसी और के या किसी और चीज के बारे में हम किसी और वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात करेंगे नपुंसक लिंग है इसलिए फल तो फलम पतती तो फलम पतती फल गिरता है तो ये हो गया प्रथम पुरुष पुन सकले। फलम का ही द्विवचन जो है ये पुलिंग से मिलता जुलता है फलम पतती फलम फले फलानी पथतः जो है द्विवचन जो पुलिंग का था या स्त्रीलिंग का था उसी के जैसा है इसमें कोई बदलाव नहीं है बिल्कुल वैसा ही है तो यदि नपुंसक लिंग में क्रिया पद आपको लिखना है तो अंत में सिर्फ विसर्ग लगा दीजिए पठ तृत्यतः पत तो इसका अर्थ हो गया दो फल गिर रहे हैं या दो फल गिरते हैं और फलानी या फलानी पतंती तो कई सारे फल कई सारे फल गिरते हैं तो ये है नपुंसक लिंग में प्रथम पुरुष तो हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं और वो नपुंसक लिंग वाला वाक्य है नपुंसक लिंग वाली जो संज्ञा या सर्वनाम है इसी की जगह यदि हम फलम की जगह सर्वनाम का उपयोग करने की कोशिश करते तब होता तथ पद्धति वो गिरता है ते और हैतंती तो वे गिरते हैं तो यदि हम फल अलग से नहीं बोल के हम सर्वनाम का उपयोग कर रहे होते हैं तो तत्ते तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन इसी प्रकार पहले पंक्ति में भी हम ये लिख लेते हैं जैसे प्रथम पुरुष में हमने राम बालक ये तो देखा इसी को यदि हम सर्वनाम उपयोग कर रहे होते कि हमको सिर्फ ये कहना है कि वो पढ़ रहा है या वह पढ़ रहा है वे पढ़ रहे हैं तो तब हम बोलते सह पठति तो नाम या अलग से बालक बताने की जगह सीधे सह पठति तो वह पढ़ रहा है तो सह तव ते सह तव ते सह पठती तउ पठत पठन्ति तो यही उसके प्रश्नवाचक शब्द जो है कह कऊ के वो भी यहाँ पे लिखे हुए मध्य में पंक्ति में वो भी आपको दिख रहा है पहली पंक्ति में कि जैसे सर्वनाम में मात्राएं लगती या जो संज्ञा शब्द है उसमें मात्राएं लगती बिल्कुल वैसे ही प्रश्नवाचक में भी लग रही है सह तउ ते कह कऊ के और उसी प्रकार की मात्राएं जो संज्ञा है उसमें भी लगी हुई हैं। रामह, रामो, रामाह तो अब रामाह में थोड़ा अंतर है। इसके सर्वनाम शब्द या प्रश्नवाचक शब्द में ते और के है लेकिन वो तो संज्ञा में रामे नहीं होता, तो रामाह होता है। ठीक है, तो ये अंतर इस अंतर को ध्यान में रखना होगा। और इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति है उसमें बालिका नृत्य ती या कोई नाम भी हो सकता है गीता नृत्य ती तो अब दो बालिकाएं तो बालिके नृत्यतः तो, तो इसको भी यदि हम सर्वनाम में उपयोग कर रहे होते तब ये भी हो जाता सा नृत्यति ते तो स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते होता है और नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में ते होता है तो साते ताह, तो ताह नृत्यंती ये भी हम कह सकते हैं ताह नृत्यंती मतलब वे नाचती हैं तो अब इसमें सीधे वे कह रहे हैं हम वो नाचती हैं तो अब कई बालिकाएं यदि नाचती हैं तो हम बालिका नृत्यंती भी कह सकते हैं मतलब बालिकाएं नाचती हैं या फिर हम ताह नृत्यंती भी कह सकते हैं जिसका अर्थ होगा वे नाचती हैं तो और बिल्कुल उसी की तरह उसका प्रश्नवाचक शब्द भी है का नृत्यंती कौन नाचती है बालिका नृत्यंती वो उत्तर है उसका ठीक है तो अब हमने सर्वनाम भी देख लिए प्रश्नवाचक भी देख लिए संज्ञाएं भी देख ली प्रथम पुरुष की देख ली पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में नपुंसक लिंग में भी दे� देख ली प्रथम पुरुष की और उत्तम पुरुष भी देख लिया उत्तम पुरुष में सब लिंग जो है कोई भी लिंग उपयोग नहीं होता क्योंकि वो मैं अब खुद के लिए बात कर रहा हूँ आप तो जब मैं का उपयोग होता है तो उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और लिंग का तो अर्थ ही नहीं है पर पुलिंग स्त्रीलिंग भी नहीं होता सीधे मैं या हम, तो वदामी, आवाम वयम वयम पठामह, इस तरह से होगा तो इसमें अंतर नहीं होगा पुलिंग स्त्रीलिंग या लिंग के हिसाब से कोई अंतर नहीं आएगा ठीक है अब तीसरा प्रकार है मध्यम पुरुष और वैसे तो इसको किसी भी क्रम में सीख सकते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष फिर उत्तम पुरुष या फिर पहले उत्तम पुरुष फिर मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष तो जो हमको समझ में आता जाता है जिसका अर्थ समझ में आता जाता है हम वैसे करते हैं तो अब देखते हैं मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष मतलब आप या तुम हम जब अपने सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो वो मध्यम पुरुष है उसको जब भी हम उससे बात करेंगे या उसका नाम लेंगे उससे कुछ भी कहना चाहेंगे तो वो मध्यम पुरुष में आएगा और अभी उदाहरण के लिए वाक्य देखते हैं जैसे त्वम दसी तुम बोलते हो या पठसी तुम पढ़ते हो तो तुम का यहाँ पे उपयोग हो रहा है ये एक वचन है इसलिए तुम एक ही है तो त्व वदसी या तुम पठसी या इसी तरह क्रियाओं में सी अंत में सी लग गया तो वो सामने वाले से हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष है तो हम इसी का द्विवचन मतलब जब दो लोगों से हम एक साथ बोलने की प्रयास कर रहे हैं बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों खाते हो तो ये वाम तो अब देखो क्रियापद तो आपका नहीं बदला वैसा का वैसा ही है मतलब जो बाकी द्विवचन में होता है चाहे वो प्रथम पुरुष के चाहे पुलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो सब में पठ तह नृत्य तह वदा, जो अंत में तह लग जाता है सिर्फ सिर्फ उत्तम पुरुष जो मैं वाला है उसमें थोड़ा सा अंतर है मैं वाले में आवाम वदावह वह था लेकिन बाकी सब जो है पठतः खादत तो इसमें थोड़ा सा अंतर है लेकिन इसको हमको यहाँ पे एक अक्षर खदत तो युवाम खाद थ तो ये तह की जगह थह हो जाता है जब हम मध्यम पुरुष में हैं तो जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो जब हम ये कह रहे हैं कि तुम दोनों खाते हो या तुम दोनों पढ़ते हो तो खाद थह, पठ थह, तो ये थह जो है अच्छे से उच्चारण सही सुनाई आना चाहिए वो पठ तह नहीं है पठ थ है पठतह तब होगा जब हम प्रथम पुरुष में बात कर रहे हैं नृत्य तह उस तरह से और जब मध्यम पुरुष में है तो ठीक है तो तुम दोनों हो गया ये युवाम तुम दोनों और इसी का बहुवचन मतलब तुम सब पढ़ रहे हो या तुम सब दौड़ रहे हो अब हम दौड़ना दौड़ने वाली क्रिया लेते हैं इस बार तो यू यम थ तो अब बिना विसर्ग के ये थ अंत में लगता है तो ये ध्यान देने योग्य है यूयम धाव तो इसका अर्थ है तुम सब दौड़ते हो तुम सब दौड़ते हो ठीक है। तो अब एक और चीज ध्यान देने कि जैसे उत्तम पुरुष में पुल्लिंग श्रीलिंग लिंग सब एक ही था उसमें अंतर नहीं होता पुल्लिंग श्रीलिंग में उत्तम पुरुष में वैसे ही मध्यम पुरुष में भी है मध्यम पुरुष में भी जब हम बोल रहे हैं कि तुम पढ़ते हो पढ़ खाते हो दौड़ते हो तो इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई अंतर नहीं है ये सब एक ही है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक ही है और नपुंसक लिंग का तो कोई अर्थ ही नहीं है क्योंकि हम तुम कह के लिंग को नहीं बोलते क्योंकि वो कुछ कर तो रहा नहीं होता तो नपुंसक लिंग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है तो कह सकते हैं कि वो भी इसी में शाम समाया हुआ है अब इसमें एक थोड़ा सा नया नया तो नहीं पर आदर पूर्वक एक प्रयोग है जो हमने अभी अपनी कक्षा में भी काफी बहुत किया है तव वदसी या तव खादत क्षमस्व युवाम खादत या फिर यूएम खा तो इसमें हम जो कह रहे हैं तुम ऐसा उपयोग कर रहे हैं किसी के लिए जो कि हम अपने से बड़ों के के लिए लिए या कई लोगों उपयोग नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें आदर नहीं है तुम का अर्थ है कि हम अपने बराबर वाले या अपने से छोटे इस तरह से किसी से बात कर रहे हैं तो यदि हम वो वाक्य सीखें जिसमें हमेशा आदर समय आदर सहित उपयोग होता है तो और भी अच्छा है क्योंकि वो भाषा के उपयोग के लिए भी आसान है उसको किसी के भी साथ आप कर सकते हैं चाहे बड़ा हो छोटा हो बराबर वाला हो कोई किसी भी आयु का हो फिर कोई अंतर नहीं है तो वो उपयोग है भवान या भवती जो हमने पहले भी किया है तो भवान भवती तो अब इसमें क्या है कि भवान या भवती का अर्थ है आप तो ये सम्मान के साथ है आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाले को तो भवान है पुल्लिंग और भवती है स्त्रीलिंग उतने अंतर है और ये देने योग्य है कि इसमें पठति तो ये प्रथम पुरुष की तरह चल रहा है हालांकि आप आग सामने वाले से ही बोल रहे हैं आप पढ़ते हैं या आप लिखते हैं आप बोलते हैं पर जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष की तरह चलती है इसमें इसमें पठसी नहीं कहते तो उतना सा अंतर है ध्यान रखा जा सकता है तो ये बहु उपयोगी तालिका जो हमने बना ली है इससे काम आएगा और आज की कक्षा फिर हम अभी कक्षा समाप्तम करोमी कक्षा रोकते हैं और पुनर्मिलामह सर्वे शाम नमो नमः चरुलता जी आपको शायद मेरी आवाज़ तो आ रही होगी पर आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही आपका ऑडियो अभी तक भी कनेक्ट नहीं हुआ ऐसा लगता है तो शायद इंटरनेट या कुछ और गडबड होगी पर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है तो आप बाद में भी देख सकते हैं इसी को तो कक्षा समाप्तम करोमी पुनर्मिला शुभरात्रि